तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारा प्यारा मारवाड़ YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया ब्लॉग बना रहे हैं कंटालिया नाथ जी महाराज मेले का। तो नाथ जी महाराज मेले का अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपके लिए छोटे छोटे गाँव के मेले लेकर आते हैं, हर बार नए नए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये हमारा वीडियो, चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, राम राम। हमारा सब मारवाड़ी भाइयों ने राम राम। पूरे राजस्थान के, सभी हिंदुस्तान के दोस्तों को नमस्कार। हमारा इस वीडियो दिखाने का सबसे मुख्य उद्देश्य राजस्थान की परंपरा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचे, और ये हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। ये गांव के छोटे छोटे मेले होते हैं, और जहां पर प्रारंभिक परंपरा के साथ मेला लगाया जाता है, मिठाई की दुकानें लगती है मेले में, नाश्ते की दुकानें लगती है। और मैं औपचारिक रूप से मैं अपना नाम बता देता हूँ आपका। मेरा नाम निजाम तंवर है, और मैं आपके लिए हमेशा बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें ज़रूर क्षमा करें। और ये वीडियो है राजस्थान के कंटालिया गांव का वीडियो है, जहाँ पर मिठाई की दुकानें लगती है, खिलौने की दुकानें लगती है, और स्टील के बर्तन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो लगाते हैं। मेले में नमकीन्स, अलग अलग तरह की नमकीन्स, मारवाड़ी नमकीन। मारवाड़ के लोगों को मेले में घूमने का बहुत शौक़ होता है, हमें भी बहुत शौक़ है। हम भी मेले में जाते हैं, आपके लिए वीडियो भी बनाते हैं और मेला भी घूमते हैं। छोटे खिलौने की दुकानें कंटालिया में खूब लगती है, और यहाँ पर लोग हर साल की भांति नाथ जी महाराज का मंदिर बना हुआ है। लगभग इस मंदिर को बने 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ पर कलश यात्रा आती है, जैसे कि ये देखिए राजस्थान की जान शान श्रीदेवी, और ये एक श्रीदेवी बहुत ही प्यारा नाच कर रही है और गैर नृत्य कर रही है। ये श्रीदेवी इनको क्या कहते हैं आपको समझिए, श्रीदेवी जी जाता है नाथ जी महाराज के मेले में, जहाँ पर ये कलश यात्रा आ रही है नीचे के साथ साथ में लोग घोड़े बनते हैं, कोई गैर नृत्य करेंगे। जो राजस्थान के एक प्रारंभिक अंदाज से, राजस्थान के एक खूबसूरत अंदाज है, राजस्थान की पहचान है, तो राजस्थान के मेले देखकर आपको लगते हैं। तो यूट्यूब पर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर चल रहे थे फेसबुक पेज लाइक फॉलो कर दें। और ये देखिए अभी पीछे ये गेयर नृत्य करने वाले की टीम आ गई, और बहुत ही मस्त डांस करेंगे। आप तो देखेंगे कि वास्तव में राजस्थान तो जरूर आना चाहिए, राजस्थान के मेले तो जरूर देखना चाहिए। राजस्थानी अंदाज में ये कलश आ रहा है, जो नाथ जी महाराज के मेले में, नाथ जी महाराज के मंदिर में ये कलश सुपुर्द चढ़ाया जाएगा, और परंपरा के अनुसार हर साल की बात है, इस साल भी ये कलश आया। 35-36 सालों से यही परंपरा चली आ रही है, नाथ जी महाराज का ये मंदिर बना, इनको देवलोक हुए 35-36 वर्ष हो गए, और ये बहुत ही अच्छा मेला जाता है। ये राजस्थान के पाली जिले में कंटालिया गांव में, अगर आप कंटालिया गांव कभी नहीं आए तो जरूर आइए। हमारे मित्र हैं जो हमसे मिलते रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, हर मेले में हमसे मुलाकात करते हैं। ये आ चुकी है गैर दमचिक 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 करते हुए, देखिए ये राजस्थानी धोती कुर्ता के साथ कितना गजब का डांस करता है। अगर आपको भी राजस्थान के इतने गजब और खूबसूरत गैर डांस देखना पसंद करते हो तो आइए हमारे राजस्थान, आइए हमारे राजस्थान, और राजस्थान की परंपरा देखिए। हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कितना भाईचारा हमारे राजस्थान में, कितना प्रेम है, हर धर्म हर जाति हर वर्ग के लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं। यहाँ पर जातिवाद धर्मवाद बिल्कुल कम होता है राजस्थान में। लोग अपनी जाति अपना धर्म सब मारवाड़ी एक परंपरा को ही मानते हैं। देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है ये डांसर,
ये गेर के नाम से मिलता है, ये इनको गेरिया कहते हैं और राजस्थान के गेरिया पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में फेमस हो चुके हैं। ये गेरिया बेंगलोर मद्रास में भी आजकल काफ़ी गेर निकलती है। सीरवी लोग होते हैं हमारे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और उनको बहुत शौक होता है। ये गुजरों के गेर नृत्य है, ये भी बहुत अच्छे डांस करते हैं। गुजरों का गेर डांस एक सबसे राजस्थान का मेन मुख्य डांस कह सकते हैं, क्यों गुजर जाति रेबारी जाति और ये इनका मुख्य काम होता है, चरवाहा होते हैं, भेड़ बकरी का को घर पे पालते हैं और कितना डांस करते हैं, मेले में खूब आनंद करते हैं। अगर आपको भी मेला देखना है तो हमारे राजस्थान आइए। मेरा नाम निजाम तंवर है और मैं राजस्थान के हर मेले हर जगह के वीडियो लाता हूँ, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल हम आपसे क्या मांगते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन पर उंगली दबाना बस, उससे ज़्यादा आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहे, आपसे कुछ मेहनत का नतीजा नहीं मांग रहे। आपको ये नहीं कह रहे कि आप 50 ग्रुपों में शेयर करो, ये भी नहीं कह रहे, हम यही कह रहे हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दो, उसके उंगली अड़ाना आप। और कितना प्यारा डांस, क्या धैर्य धैर्य धैर्य, क्या गजब डांस है यार, मज़ा आ गया। अरे ऐसा डांस देखना हर कोई किस्मत वाला ही देख सकता है राजस्थान में आकर, राजस्थान में आकर कोई किस्मत वाला ही ये ऐसे डांस देख सकता है, गेर डांस देख सकता है। और ये आ चुका है बैंड बाजे के साथ, गेर नृत्य के बाद अभी पीछे रथ आ रहा है, नाथ जी महाराज का रथ आ चुका है जिस पर झंडा होता है, तस्वीर होती है नाथ जी महाराज के, जो भी परंपरा के अनुसार यहाँ पर इस रथ के अंदर नाथ जी महाराज की जोत आती है। और हम आपको बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते हैं, अभी ये वीडियो होने के बाद हम अगला एक वीडियो का भी और लाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। और जब भी वीडियो आए तो हमारा वीडियो पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट में एक ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखिए आसमान छूते हुए झूले, गजब के झूले, क्या मज़ेदार झूले हैं, मज़ा आ गया है झूले देखने का। अभी हम भी इस झूले में बैठेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। अभी थोड़ी देर में हम भी झूले में बैठने वाले हैं, बैठेंगे वहाँ, वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि झूले में आनंद करने जा रहे हैं, वीडियो नहीं बनाएंगे। बाहर से हम पहले आपको शूट कर लेते हैं। और देखिए ये राजस्थान में कितने आसमान छूते छूते झूले, ऐसे झूले शायद ही मारवाड़ क्षेत्र में आपने देखे होंगे मेलों में, ये आसमान छूते, ये अजमेर साइड से आते हैं और ये झूले एक पहचान बने हुए हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में ये नाथ समाज के लोग, सपेरा टाइप के लोग जो सांप हाथ में लेकर, असली सांप, कोई नकली सांप नहीं, देखिए ये जीवा निकाल रहा है, लेकर आते हैं मेले में घूमते हैं, कुछ दक्षिणा की कामना करते हैं लोगों से, कोई लोग दक्षिणा देते थे 5-10 रुपये 50 रुपये। और मेले में तो हर चीज़ें देखने को मिलती है, हम भी इनके पास गए और हमें भी बहुत डर लगा है कि सांप को गले में डाल दिया और पूरा सांप सपेरा। ये देखिए लोग सेल्फी लेते हैं, 21 रुपये 51 रुपये देते हैं। और अगर आपको झूला देखने का भी शौक़ है तो छोटे छोटे बच्चे मेले में खूब झूला झूलते हैं और ये देखिए कितना एंजॉय करते हैं। ये बचपन है, ये बचपन में जो खुशी मिलती है, जवानी में लाखों रुपए खर्च करने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो खुशी नहीं मिलती, जो खुशी 20-25 रुपये देकर यहाँ पर छोटे छोटे झूलों में बैठने से मिलती है। हम तो आपको मेहनत करते हैं, मेले में घूमते हैं, जहाँ पर मेला होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप भी देखिए ये झूला अभी चल रहा है, शुरुआत हुई है और झूला में पूरे दिन खूब लोग बैठते हैं, खूब आनंद करते हैं और हम भी झूले में बैठने का बहुत शौक है, हमारे बच्चों को भी बैठने का शौक है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितनी खुशी होती है इनको, इनको देखकर हमें भी आनंद महसूस होता है, काश ये बचपन के दिन वापस आ जाए, काश ये बचपन के दिन वापस आ जाए। ये जवानी में बहुत पछड़ा है भाई, बहुत पछड़ा है, खूब कमाना है, खूब जिम्मेदारियाँ है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, गांव को देखना है, देश को देखना है, सब कुछ देखना है। और ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हजारों तरह की परंपराएं होती है, आसमान छूते हुए झूले, कितने
खूबसूरत लग रहा है, जो वीडियो देख रहा है उसको लग रहा होगा मैं अपनी माँ के साथ बचपन में जरूर बैठा होगा। वीडियो देखने वाले को पता होगा वो भी अपनी मम्मी पापा के साथ जरूर बैठा, जो भी बचपन में अपनी मम्मी के साथ पापा के साथ इस झूले में बैठा तो कमेंट में बताना। और ये भी शाम पड़ चुकी है और मेला समाप्त होने का समय आ चुका है और अब हम चलेंगे मेले के अंदर। मेले के अंदर जो नाथ जी महाराज का मंदिर के अंदर, ये बहुत ही प्यारा मंदिर, अभी कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार होकर पत्थरों से पूरा एक महल की भांति बहुत ही खूबसूरत बाहर से डेकोरेशन भी है इसका। ये देखिए, ये पगड़ी के मावा वाले बासा बाबूजी तवर और बहुत ही फेमस है, हर मेले में मिठाई बेचते हैं। और अभी हम चलते हैं नाथ जी महाराज मंदिर में। देखिए मंदिर का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से होते हुए हम मंदिर में जाएंगे और मंदिर के अंदर जोत चलती है हर समय, लोग पूजा अर्चना करते हैं, नाथ जी महाराज की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। और ये देखिए उनकी समाधि, नाथ जी महाराज की समाधि का स्थान है ये, देखिए यहाँ पर पूजा हो रही है। और ये नाथ जी महाराज की मुख्य समाधि स्थल कहते हैं इसको, श्री नाथ जी समाधि स्थल। और ये यहाँ पर नंदी महाराज महादेव जी के भी अंदर शिवलिंग लगा हुआ है। और ये नंदी महाराज देखिए, बहुत ही अद्भुत एहसास होता है मंदिर में आकर, इंसान की आत्मा पवित्र हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि मंदिर के अंदर आने के बाद यहीं रहे, कुछ समय बिताए और आदमी के शरीर में जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ऐसा यहाँ के पुजारियों का, यहाँ के लोगों का मानना है। उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर आइए पूजा के समय आपको मन को सुकून मिलता है, आपको आत्मा को शांति मिलती है। और ये जोत चल रही है और अभी हम मंदिर भी दिखा दिया है, अब मंदिर से बाहर चलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक गौशाला के लिए पेटी रखी हुई, गोपुत्र सेना कंटालिया। YouTube, Facebook दोनों पर हमारा चैनल बना हुआ है, दोनों पर सब्सक्राइब कर देना, आप कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखिए मिठाई की दुकानें वाले अभी तक बैठे हैं, कुछ आस लेकर करते हैं। इन लोगों का भरण पोषण इन्हीं मेलों की वजह से होता है, मेले में आते हैं, मेले की वजह से लोगों का घर भी चलता है, इन मेलों की वजह से लोगों की आय भी बढ़ती है। हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं, लोग दुकानें लगाते हैं, हर समाज के हर धर्म के लोग यहाँ मेलों में आते हैं, दुकानें लग जाते हैं। और ये नाथ जी महाराज के पुजारी और ये मंदिर पर लाइट डेकोरेशन हो रखा है। तो प्लीज़ चलो ठीक है, हमने वीडियो दिखा दिया है, वीडियो अच्छा लगे तो आपको बार बार नहीं कहूँगा, आप समझदार। दोस्तों नमस्कार, अभी हमने आपको कंटालिया मेले का वीडियो दिखाया है, पूरा मेला घूम कर आया आपके लिए। तो ये मेला आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। और इस मेले में हमने झूले दिखा दिए आपको, मेले में जो जो दुकानें लगी वो भी दिखाई हमने, और मेले में जिस गांव में मेला लगता है, कौन सा मंदिर है, मंदिर का भी वीडियो दिखाया है। तो अभी हम आपको ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो आगे भी हमारे राजस्थान मारवाड़ के नए नए ब्लॉग देखना चाहते हैं, मारवाड़ क्षेत्र के हमारे गाँव के नए वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने मित्रों को भी हमारा यूट्यूब चैनल शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहना। और साथ में हमारा फेसबुक पेज है हमारा प्यारा मारवाड़, वहाँ पर हम मेलों के लाइव वीडियो बनाते हैं और बाकी कई चीज़ों के लाइव वीडियो बनाते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, हमारा वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस वीडियो को ख़त्म होते ही वीडियो को ज़रूर शेयर करके सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियो देखना पसंद करते हैं। हम शॉर्ट वीडियो भी डालते रहते हैं मेले के और मारवाड़ क्षेत्र के अलग अलग खास खास लोकेशन के वीडियो आते हैं। तो अगर आप मारवाड़ी है, राजस्थानी है या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में बताना ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना। आप कमेंट करोगे तो पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।